कप में दो बर्फ के टुकड़े फिर उसमें शराब डाल दिया, जिसके कारण कप क्रेक हो जाता है और कप लीक हो जाता है, जो इस महिला को पता नहीं चलता। लेडीज फर्श पे लिक्विड गिराते हुए कंप्यूटर के पास जाती है। यहाँ भी कुछ बूंदे कंप्यूटर मॉनिटर में चला जाता है, जिसके वजह से अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाती है और धुआं निकलने लगता है। यह देखने के लिए महिला मॉनिटर के पास जाती है, तभी मॉनिटर ब्लास्ट हो जाता है और महिला के गले में कांच का टुकड़ा घुस जाता है। फिर फर्श पे गिरी शराब के कारण घर में आग लग जाता है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखना होगा। फिल्म का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन। गांव से अगर कोई बाहर जाता है तो वो मारा जाता है। अब गांव में दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए पुजारी कहता है कोई तो इस पवित्र बंधन को तोड़ के बाहर गया, जिसके वजह से ये सब हो रहा है। तभी सरपंच कहता है कि गांव को चेक किया जाए, कहीं कोई बाहर तो नहीं गया। सरपंच के आदमी लड़की के घर जाता है तो उसकी माँ झूठ बोलती है कि उसकी बेटी नहा रही है। दूसरी तरफ एक अघोरी आता है, वह गांव के बंधन छूता है तो उसे गांव में हुए सारे हादसे दिख जाते हैं। वह इस सब से बचने के लिए गांव वालों की मदद करना चाहता है, तो पुजारी उसे बंधन तोड़ के अंदर आने से मना कर देता है। अघोरी कहता है बंधन तो पहले से ही टूट चुका है, जिससे चार लोगों की मौत हो चुकी है। पर सरपंच कहता है यहाँ तो केवल दो लोगों की मृत्यु हुई है। अघोरी कहता है जब तुम्हें लाश मिलेगी तब पता चलेगा। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मूवी देखिए। मूवी का नाम है बीरूपक, जिसकी स्टोरी काफी यूनिक है और ये हिंदी में अवेलेबल है। ये आदमी अपने प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर शहर के हॉस्पिटल में जा रहा होता है। रास्ते में रुकावट के कारण ये एक ऐसे गांव से गुजरता है जिस गांव में कोई नहीं रहता, लेकिन उस गांव में इंटर करते ही एक आदमी उसके गाड़ी से टकराकर गिर जाता है। तो ये आदमी और ड्राइवर उसे चेक करने के लिए जाता है, तभी ड्राइवर पर कोई हमला कर देता है जिससे उसका आधा सर कट जाता है। फिर एक आदमी पेड़ से कूदकर गाड़ी पर आ जाता है और सबको मारने लगता है। रोड किनारे पहाड़ी पर भी चार लोग खतरनाक हथियार के साथ होते हैं। तो मेरी जान, ये थ्रिलर वेब सीरीज आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, जिसका नाम है द विलेज, ये हिंदी में अवेलेबल है। ये हॉरर मूवी किसी ने फुल वॉल्यूम में अकेले देख लिया तो लीजेंड है गुरु। और ये वीडियो अपने फट्टू दोस्तों को जरूर भेजिए। एक लड़का आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता है, तभी गेट खटखटाने की आवाज आती है। तब ये लड़का गेट के होल से बाहर देखता है तो सेम टू सेम उसी के तरह कोई बाहर खड़ा होता है और उसकी हर एक एक्टिविटी को कॉपी करता है। फिर अचानक लाइट बंद हो जाती है और लड़का गायब हो जाता है। फिर ये लड़का पीछे देखता है तो उसका कॉपी घर के अंदर होता है। फिर जो होता है वो देख के आप चौंक जाओगे। फिल्म का नाम है पीप होल, जो हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों, ये लड़की टीवी देख रही होती है, अचानक टीवी में चैनल चेंज होने लगता है। तो ये लड़की रिमोट से सही चैनल लगाकर रिमोट साइड में रख देती है। अब चैनल फिर से चेंज होने लगता है और रिमोट भी साइड से गायब है और इस लड़की को रिमोट कहीं नहीं मिलता और टीवी चैनल भी चला जाता है। अचानक टीवी पर नया चैनल आ जाता है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी हाथ में रिमोट लिए उसके सोफा पर बैठा हुआ है। तभी लड़की को एहसास हो जाता है कि इस रूम में मेरे अलावा भी कोई है और वह भूत है, जो इस लड़की के पीछे आ जाता है। आगे इस लड़की के साथ क्या होता है ये देखने के लिए मूवी देखिए। फिल्म का नाम है द कंजूरिंग 2, जो हिंदी में अवेलेबल है। ये मूवी आपने अकेले देखा तो लगेगा कि आपके आसपास कोई है। इस मूवी में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक थेरेपिस्ट है, जो खुद अपने मेंटल स्ट्रेस से परेशान है। एक दिन उसके पास एक ऐसी पेशेंट आती है जिसे देखकर आप, मैं और ये डॉक्टर पूरी तरह हिल जाती है। ये पेशेंट यह क्लेम करती है कि उसे एक बंदा पीछा कर रहा है, जो दूसरों के बॉडी में जाता है और सिर्फ उसी को दिखता है, और जहाँ जहाँ वह दिखता है उसे मुस्कुराता हुआ दिखता है। यह मूवी आपको डराती है, कुछ सीन ऐसी है जिसे देखकर आपकी फट जाएगी। फिल्म का नाम है स्माइल, जो हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी में एक फैमिली होती है जो अभी नई नई घर में शिफ्ट हो रही होती है। ये घर काफी बड़ा, महंगा और सुंदर भी होता है। कुछ दिन इस घर में रहने के बाद उनके पास लेटर आने लगता है, जो कि उस घर के बारे में होता है, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में होता है। धीरे धीरे लेटर और भी ज्यादा पर्सनल और डरावनी होती जाती है। लेटर भेजने वाला का नाम है द वॉच। अब ये द वॉच कौन है, उनको लेटर क्यों भेज रहा है और किस बारे में भेज रहा है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखना होगा। मूवी का नाम है द वॉच, जो हिंदी में अवेलेबल है। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे की ये मूवी देखकर दिल भर आया। इतनी अच्छी स्टोरी बहुत कम ही फिल्मों में देखने को मिलती है। एक बार हर इंसान को देखना चाहिए ये मूवी। अरे कहाँ जा रहे हो, हमें देर हो रही है। अगर इस लड़की की जगह तुम्हारी लड़की पड़ी होती तो क्या बोलते ऐसा? आज घर जरा देर से पहुंचोगे तो जान नहीं निकल जाएगी तुम्हारी, और इसको अगर देर हो गई तो मर जाएगी बेचारी। मूवी का नाम है बैड बॉय।